बैक टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीगेन पोजीशन किसमें होता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट रिटेन राइट ऑफ रेन। कुछ बच्चा लोग ऐसे देख रहे हैं हमको जैसे हम फ्रेंच बोल रहे हैं, ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, राइट ऑफ लियन में माल मेरे पास पड़ा हुआ है, हम जब्त कर लिए, जब्त करने को बोलते हैं रिटेन करना, राइट ऑफ लियन। अगर माल को हम ट्रक में चढ़ा दिए, माल जा रहा है बायर के पास, अब जब्त तो कर नहीं सकते, होना चाहिए जब्त करने के लिए, तो हम रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, रोकेंगे यानी कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो रीगेन करना होगा, मेरे पास सामान नहीं है, मंगाना होगा, रीगेन। रीगेन होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट में, रिटेन होता है राइट ऑफ लियन। चलो क्या बोल रहे हैं, जब अनपेड सेलर के पास से गुड पार्टेड यानी कि निकल चुका है, अलग हो चुका है, किसी कैरियर को दे दिए, तो कैरियर को मानो हम दे दिए और पता चला कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, होता है ना, कैरियर को देने के बाद, ट्रक में चढ़ाने के बाद पता चला कि तो पैसा दे ही नहीं सकता है, अब क्या करें? He can exercise this right. कब? ये right जो है stoppage in transit, ये कब लगेगा? ये सिर्फ तभी लगेगा जब buyer insolvent हो रहा है. Very important point, इसके ऊपर धड़ाधड़ क्वेश्चन गिराता है institute. Right of stoppage in transit कब लगता है? जब buyer insolvent है, buyer का दिवाला निकल गया, बाकी कोई भी condition में नहीं लगेगा, ठीक है? The right is the extension of right of lien. Right of lien क्या था? मेरे पास माल पड़ा हुआ है, जब्त कर लिए, मेरे से माल निकल गया, अब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करो, ठीक है? तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि राइट ऑफ लियन जैसे ही खत्म होता है, क्या शुरू हो जाएगा? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है? इट इंटाइटल्स द सेलर टू रीगेन द पोजिशन इवन आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजिशन ऑफ द गुड्स। हाउएवर कुछ कंडीशंस फुलफिल होना अनिवार्य है। पहला, सेलर अनपेड होना चाहिए। दूसरा, सेलर के पास गुड नहीं है, सेलर के पोजीशन में गुड्स नहीं है, गुड कहाँ है? इन ट्रांजिट में, रास्ते में है। द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बायर का दिवाला निकल गया है, और अगर इस एक्ट में कुछ नया बोला तो फिर उस चीज को भी ध्यान में रखना है। दिस राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। बाकी इस एक्ट के बाकी सारी चीज का भी ध्यान रखते हुए इस राइट का इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को रीड करो, कोई डाउट है पूछो, नहीं तो यो मैसेज करो। सर वो सेकंड वाला लाइन क्या है सर? ही मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स। ही मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स से और उस वो अलग हो गया है, अब उसके पास में नहीं है। गुड्स रास्ते में, इन ट्रांजिट में। गुड्स ना सेलर के पास है ना बायर के पास है, रास्ते में।
सवाल उठा कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब क्या होता। तो सिंपल मतलब, जब सेलर माल को ट्रक में चढ़ा दे या फिर कूरियर बेली किसी के पास भी चढ़ा दे, और जब तक बायर या फिर उसका एजेंट गुड्स को उतार नहीं रहा है, तब तक गुड्स ड्यूरेशन इन ट्रांजिट है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, शुरू कब होता है? जब सेलर गुड्स को चढ़ा दिया कैरियर पे, सामान में, मतलब कैरियर का जो भी गाड़ी वाड़ी है। और खत्म कब होता है? जब गुड्स उतर गया है कैरियर के गाड़ी से। ठीक है, जो जितना देर गुड्स गाड़ी में रहता है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। देखो, ये माना जाता है फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर, जब तक, जब से वो कैरियर या फिर बेली को दिया गया है, कब तक? जब तक उसका डिलीवरी वो लोग ना ले ले। ये पूरा दौरान को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। सर, हेलो, एक सेकंड। ओके, पूछ। सर, अगर मतलब सामान पहुंचा नहीं है लेकिन वो जो ड्राइवर है ना वो इन्फॉर्म कर दिया है बायर को कि हम आपके सामान को लिए हुए हैं, तो फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट होगा कि नहीं? देखो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट हम तभी कर सकते हैं जब मेरे पास राइट ऑफ डिस्पोजल है। राइट ऑफ डिस्पोजल हम लास्ट क्लास में सबको समझाए। नहीं सर, हम स्टॉप वो राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे अगर बायर को इन्फॉर्म कर देता है वो ड्राइवर कि हम आपका सामान लिए हुए हैं, ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट से पूछ रहे हैं सर। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट तो वो कहलाएगा जब तक बायर गुड्स को उतारे ना, वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में आएगा। अगर इन्फॉर्म भी कर देता है कि वो आपका सामान लिए हुए फिर भी? देखो, बता रहे हैं वही अगला टॉपिक। ट्रांजिट कब खत्म माना जाता है? द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट। ये जो हक है, कौन सा हक? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये कब खत्म होता है? पहला, बायर या फिर उसका बेली कोई और आदमी गुड्स का डिलीवरी ले ली। हो सकता है हम गुड्स को धनबाद से कोलकाता भेज रहे थे, कोलकाता में उसका बायर था, वो डिलीवरी ले लिया, ट्रांजिट खत्म। दूसरा, बायर दुर्गापुर में ही था, वहीं पे डिलीवरी ले ली, ट्रांजिट खत्म। वही माना जाएगा जहां पे डिलीवरी हो गया है। When the carrier or other bailee acknowledges to the buyer or his agent, फोन करके बोला, व्हाट्सएप कर दिया, he holds the good as soon as the goods are loaded on the ship। अगर वो हम पहले, मतलब बायर जैसे ही मानो हम सामान चढ़ाएं, नॉर्मली शिप और रेलवे में क्या होता है, सामान चढ़ाएं, ये माना जाता है राइट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास है। लेकिन अगर हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं किए हैं तो क्या, मतलब कि अगर हम राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं मांगे, ठीक है, और जो शिप का कैप्टन था वो क्या किया, मैसेज कर दिया कि बायर तेरा गुड मेरे पास, तो एक्नॉलेजमेंट हो गया। और एक्नॉलेजमेंट से तो डिलीवरी होता है, याद आ रहा है किसी को? डिलीवरी तीन टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक और एक्चुअल। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया ये, यानी कि ये डिलीवरी माना जाएगा। हाँ, अगर बायर मुंह खोल के बोला कि राइट ऑफ डिस्पोजल को हम रिजर्व कर रहे हैं, तब फिर चाहे ड्राइवर, कैप्टन, पायलट मैसेज करे बायर को, चाहे कॉल करे, चाहे कुछ भी करे, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक गुड्स ओनर, यानी इस ओनर कौन होगा? गुड्स का सेलर ही। फिर से रिपीट कर दिए, ट्रक में माल चढ़ाए, राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं लिया, ऐसे ही माल बायर का है, चाहे ड्राइवर बोले ना बोले, ओनर हो गया बायर। ये वाला टेंशन क्रिएट होता है शिप और रेलवे में, कि शिप और रेलवे में माल चढ़ा और नॉर्मली माना जाता है कि राइट ऑफ डिस्पोजल मेरा है। लेकिन अगर वहां पे शिप का जो कैप्टन है वो मैसेज कर दे या बायर को कॉल करके बोले कि तेरा सामान हम ले लिए, तो क्या होता है? डिलीवरी माना जाता है, माना जाता है ओनर बायर हो। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बचाने के लिए खुद को बोल देते कि हम भाई रिजर्व करके रखे राइट ऑफ डिस्पोजल, देख लो भैया। ठीक है, ओके, क्लियर है तनु?
यस सर. इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर. कैरियर का मन में लालच आ गया, कैरियर बोल रहा है कि हम बायर को गुड्स नहीं देंगे, हम लेके भागने का प्लान. गुड्स तो अब ट्रांजिट हो गया, खत्म. ट्रांजिट में थोड़ी है गुड्स, ट्रांजिट में कब, जब कैरियर गुड्स को बायर के पास लेके जाता. ये गुड्स कभी बायर पास पहुंचेगा नहीं, तो यहाँ पे माना जाता है कि ट्रांजिट खत्म हो गया. भैया तुम स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे केस मत राइट मत अपनाओ, अब कुछ और राइट होगा तुम जो कैरियर के ऊपर केस करेगा. वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर बाय द बायर, ये कुछ नया है. मानो हम सेलर है, जनरली डिलीवरी कौन करता है, किसके बोलने पर. मानो बायर बोला कि भाई हम लेकर आए हैं ट्रक, तुम इसमें चढ़ाओ, तो क्या हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर पाएंगे. भैया ट्रक तो बायर का ही है, मतलब डिलीवरी हो गया, आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं हो सकता. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट. वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड हैज बीन मेड देन द ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स व्हिच आर येट टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है, मानो पार्ट डिलीवरी हो गया, तीन गाड़ी निकला था मेरे यहां से, एक डिलीवर हो गया है, ये तो माना जाएगा ना कि दूसरा दो भी ले गई, दूसरा दो भी डिलीवर्ड माना जाता है, ट्रांजिट एंड में आ जाता है रिमेनिंग गुड्स का भी. और लास्ट व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप, जो बायर खुद भाड़ा पे लिया है, ट्रांजिट एंड में हो गया, मतलब ट्रांजिट एंड हो गया है. अब ये नहीं, अब हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट ये सारे सिचुएशन में नहीं लगा सकते. फिर से रिपीट कर रहे सारा. पहला, बायर डिलीवरी ले लिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगेगा. दूसरा, बायर डेस्टिनेशन से पहले ही कोलकाता की जगह दुर्गापुर में सामान उतार लिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लग सकता है. तीसरा, बायर बोल दिया हम राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किए नहीं थे, और बायर को ड्राइवर जो था मेरा शिप का जो कैप्टन था सेलर था बोल दिया कि भाई तेरा सामान हम चढ़ा लिए, डिलीवरी हो गया. अगर कैरियर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर रहा है कि भाई हम नहीं देंगे डिलीवरी, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा. अगर पार्ट डिलीवरी हो गया, एक इंस्टॉलमेंट ले लिया, तो ये माना जाता है कि बाकी दो को भी रोका नहीं जा सकता. और तीसरा, कि कोई शिप या फिर सामान जो बायर भाड़ा पे लाया, बायर ट्रक लाया, बायर शिप लाया, बायर ट्रेन लाया, और हम उस पर सामान चढ़ा रहे हैं, तो फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मेरे पास थोड़ी है, वो तो हम खोज. ठीक है सर, अगर अगर पहले पता चल गया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, एक डिलीवरी किए हैं और दो बाकी था, तो फिर वो के केस में, इंसॉल्वेंट के केस में कर सकते. कुछ राइट ऑफ लीन, हाँ मेरे पास पड़ा है तो रोक सकते, बट अगर हम चढ़ा दिए हैं तो फिर तो जब तक राइट टू डिस्पोजल मेरे पास नहीं, नहीं रोक सकते. ड्राइवर मेरा बात नहीं सुने. ये सब क्या है, कब स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन नॉट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मतलब अप्लाई, अप्लाई यूज कब नहीं कर सकते हैं, ये सारा सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते. हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे चार मार्क्स का. स्टेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच राइट ऑफ ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, या फिर इन विच वी कैन नॉट अप्लाई राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. तो इसमें से सारा पॉइंट लिखना होगा. भैया चार मार्क्स का पूछा है, सारा लिखना होगा. हाँ क्यों भैया, क्योंकि आगे वाला टीचर तेरा मार्क्स काटने के लिए बैठा, तो मौका नहीं देना. ठीक है, हो सकता है इसके ऊपर केस स्टडी आए, पूरा एक कहानी लिख देगा इंग्लिश में जो इस चीज के ऊपर बेस्ड होगा, तो तुमको ये वाला ज्ञान देना होगा कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है और कब वो एंड में आता है, और फिर कैसे आंसर लिखना है, इसके ऊपर एक क्लास होगा. हाँ तो वो एक ही पॉइंट लिखना है. हाँ केस स्टडी जिस पे आया खाली वही पॉइंट लिखना होता है, पूरा कहानी नहीं लिखना होता. हाँ अगर कुछ नहीं आता है, बहुत टाइम है, बोर हो रहे हैं, तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि पेपर कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली दो चार आंसर आ रहे हैं, दो चार आंसर अच्छे से लिखो. ओके, सवाल उठता है,
हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड. स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्ट कैसे होता है? पहले एक्चुअल पोजिशन ऑफ द गुड्स लो, गुड्स अपने हाथ में लो. दूसरा कैरियर को नोटिस दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कॉल कर दो, किसी को बोल दो कि कैरियर को बोल दे कि गुड्स डिलीवर नहीं करना. ये दो तरीका है सेलर के पास कि वो गुड्स को रोक सके. कैसे रोकते? या तो फोन करके मना करेंगे या फिर कार लेके निकल जाएंगे और खुद से एक्चुअल पोजिशन दे लेंगे. ये दो तरीका होता है स्टॉपेज एंड ट्रांजिट करने का. ठीक है, ओके. एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल स्टिल रिमेन्स इन फोर्स. अगर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट हुआ यानी कि गुड्स को तो हम वापस मंगा लिए और बायर पेमेंट कर दिए, तो क्या फिर गुड्स सेलर वापस भेजेगा? हाँ, पेमेंट मिला है ना सेलर को, तो सेलर वापस भेजेगा. वापस बायर डिलीवरी बोलेगा कि भाई कर, हम पैसा दे दिए, और सेलर को करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. ये छोटा सा बॉक्स है, तुम लोग देखो, सबको रीड करो. मानो इंस्टॉलमेंट हो गया था लेकिन बाद में फिर किस्मत खुल गया, उसका कोई तरीके से वापस पैसा आ गया. हाँ, होता है. नॉर्मली इंसॉल्वेंट होने पे कोर्ट बताता है कि भाई ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है और ये अब इनकम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना नॉर्मली. लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग इंसॉल्वेंट क्या पढ़े थे, किसी को याद है? सीजेस टू पे कर देता है, तो सीजेस टू पे, जिसके पास अब औकात नहीं है पेमेंट करने, तो कोर्ट का ऑर्डर का वेट नहीं करना होता सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तुमको पता चला कि इसका दिवाला निकला हुआ है, तुम अपना उसको इंस्टॉलमेंट मान सकते हैं. ठीक है, रीगेन मतलब वापस मंगाना. हाँ, रीटेन मतलब मेरे पास पड़ा हुआ है, हम रखे अपने पास. रीगेन मतलब वापस से मंगाना. सिंपल रिटेन रीगेन कैसे याद करना है? क्लास का कोई टॉपर है, मानो नंबर वन रैंक में आता है, तो उसको मेहनत करते रहना है वन पे रहने के लिए, ये रीटेन होता है. और मानो वो रैंक वन से गिर गया, 5-7 में आया, तो अब उसको रीगेन करना पड़ेगा, वापस वन में आना पड़ेगा. ठीक है, चार मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे, डिफरेंस दे सकता है. डिफरेंस जनरली चार मार्क्स का या दो मार्क्स का ही देता है. ठीक है, और डिफरेंस में अगर दो मार्क्स का या फिर चार मार्क्स का है तो याद रहे, पहला डिफरेंस हो सके तो मीनिंग लिख. ठीक है, एग्जाम्पल डिफरेंस में गिनती नहीं होता है. चार मार्क्स का है चार पॉइंट लिखना है, पांच मार्क्स का है पांच पॉइंट लिखना है, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, डिफरेंस का ये सीन होता है. ओके, रिटेन किस में होता है? लियन में या ट्रांजिट में? लियन में. लियन में. रीगेन किस में होता है? ट्रांजिट में. स्टॉपेज इन ट्रांजिट में. स्टॉपेज इन ट्रांजिट को हम लोग प्यार से सेट बोलेंगे, एसआईटी. ठीक है, पोजीशन मेरे पास किस में होना चाहिए? लियन में. लियन में. और मेरे पास गुड्स पार्टेड, मेरे से अलग किस में होना चाहिए? सेट में. इंसॉल्वेंट किस में होना चाहिए? लियन. ट्रांजिट में. इंसॉल्वेंट ट्रांजिट में होना चाहिए. और इंसॉल्वेंट किसमें नहीं होंगे तो चलेगा? लियन. लियन. दिगंबर यहाँ ध्यान दो. ठीक है, राइट ऑफ लियन खत्म होता है तो क्या शुरू होता है? ट्रांजिट. स्टॉपेज इन ट्रांजिट. स्टॉपेज इन ट्रांजिट. जब मेरा राइट ऑफ लियन खत्म हुआ, मतलब मेरे से पोजीशन नहीं है, मेरे पास माल नहीं है, तो अब हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकते. तो चौथा पॉइंट पे यही. ठीक है, ओके. बायर पे नहीं करेगा, इसका यही रीजन है कि वो इंसॉल्वेंट.
इंटेंशन हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते। अगर हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट बोलेगा कि तुम स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्यों किए, तो तुम बोल सकते हैं कि हमको उसका इरादा पता चल गया, नहीं बोल सकता। उसका इंसॉल्वेंट होना जरूरी होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, बड़ा नहीं बोलते हैं कि वो फ्रॉड था, फ्रॉडर था या फिर कुछ भी। कैसे पता कि वो फ्रॉड कर रहा था? उसका भी प्रूफ तो चाहिए ना। तुम बोलेगा कि हमको कोई और बोला, तुम खुद सोच लो तुम कैसा साउंड करेगा कोर्ट में सबके सामने। ध्यान रखना पड़ता है छोटे पॉइंट है ना। क्या अभी आप इससे पहले पढ़ाए थे कि इंटेंशन के बारे में पता चल जाता है तो ट्रांसलेट कर सकते हैं? कहाँ पढ़ाए थे? ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाए। देखो स्टॉपेज इन ट्रांसिट में ऐसा कोई पॉइंट नहीं, इंटेंशन देखना ही नहीं है। स्टॉपेज इन ट्रांसिट में उसका दिवाला निकला, रोक दो गुड्स। अरे बड़ा बहुत बार क्या होता है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या कहानी है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आना नहीं, हमको पता चला वो इंसॉल्वेंट हो गया है, हम गुड्स रोक देंगे। गलत फहमी हो गया, हम गुड्स रोक दिए, मंगा लिए वापस। बायर बोला भाई गुड्स आया नहीं, हम बोले तुम तो इंसॉल्वेंट है ना। बायर बोला कौन बोला? हम बोले हमको पता चला भाई कहीं से। बायर बोला नहीं नहीं पैसा है, लो हम तुमको पैसा भेज दो, तुम माल वापस भेज। तो हमको माल भेजना पड़ेगा। भैया जो वापस मंगाए गुड्स, तेल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, सब मेरा लग गया और झेलना पड़ेगा, यही बिजनेस होता है, नहीं मांग सकते। ठीक है हाँ, बायर डैमेज क्लेम कर सकता है कि तुम सारा इंस्टॉलमेंट बोल दिया हमको, चल पैसा दे। ठीक है हम लोग नहीं, क्लियर है? अब आते हैं राइट ऑफ रीसेल। अनपेड सेलर के पास माल पड़ा हुआ है, मानो माल जो है, गुड्स जो है वो पेरिशेबल नहीं सकता। पेरिशेबल मतलब सड़ हो सकता, सड़ सकता है, खराब हो सकता है। तो हम बिना बायर को नोटिस दिए बेच देंगे। बायर बोला भाई सेब रख, हम आते हैं। शाम हो गया, बायर आया नहीं, सेब तो कल तक खराब हो जाएगा, तो हम बेच देंगे, बायर को नोटिस भी नहीं देंगे। लॉ बोलता है हाँ बेचो ना, कोई दिक्कत नहीं, नोटिस मत देना अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो। लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का, नेक्स्ट सेकंड हमको कंप्लीट करने दो, तनु फिर पूछना, ठीक है? अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो इन अदर केसेस पहले बायर को देना होगा नोटिस कि भाई देख, तुम अगर हमको इतना दिन में पेमेंट नहीं किया, मेरा तो क्लियर इरादा है हम बेच देंगे गुड्स किसी और, हम उसको टाइम देंगे, नोटिस में हम टाइम देंगे कि आने वाला 5 दिन में पेमेंट कर, और वो टाइम रीजनेबल होना चाहिए। अभी मानो तुम नोटिस दिया कि आने वाला 15 मिनट में तुम पेमेंट नहीं करेगा तो हम बेच देंगे, ये नोटिस बेकार है। क्यों? टाइम रीजनेबल नहीं है। रीजनेबल टाइम दो, हफ्ता भर दो, 5 दिन दो, 3 दिन दो, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट उस हिसाब से नोटिस दो। किस में? नॉन पेरिशेबल में। पेरिशेबल में तो हम बिंदास बिन नोटिस का बेच सकते हैं, लॉ बोल दिया। और तीसरा, इफ द सेलर रीसेल द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस, मानो पेरिशेबल नहीं था, ऐसा गुड्स नहीं था जो सड़ जाता और हम नोटिस नहीं दिए, तो जो अनपेड सेलर है कोई भी नुकसान बायर से नहीं मांग सकता है। दूसरा, अगर कुछ फायदा हुआ है अनपेड सेलर को कॉन्ट्रैक्ट से तो वो बायर को देना पड़ेगा। मतलब मानो मेरे पास एक मोबाइल था, हम नोटिस दिए नहीं, बेच दिए किसी और को, तो पहला तो अगर हम नुकसान में बेचे वो नुकसान हमको बायर नहीं देगा। अगर हम नोटिस देते ना कि बायर तुम पैसा नहीं देगा हम बेच देंगे सामान, फिर हम मेरा नुकसान होता, बायर को देना पड़ता। लेकिन क्योंकि नोटिस नहीं दिया, ये हक हम खो दिए। दूसरा, मानो हम नोटिस नहीं दिए और उस सेल से हमको कोई फायदा हुआ, हम नहीं रख सकते, हमको बायर को देना होगा। क्यों? हम नोटिस नहीं दिए थे ना, समझा? यानी कि नोटिस नहीं देने का नुकसान दोनों तरफ से कौन झेलेगा? अनपेड सेलर झेलेगा। तो नोटिस देना बहुत जरूरी है, वो तेरा हो जाता है। हाँ तनु, अब पूछ। सर अभी सूट फॉर डैमेज आप पढ़ाए थे ना सर, बताए थे थोड़ा, उसमें क्या आप बोले थे ना कि मेला फाइट या फिर डिफॉल्ट करके कुछ बताए थे आप, तो वही हम सर वही हम सोच रहे थे, वो मतलब आप बोले थे वैसा होता है फिर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है इसलिए नहीं समझे थे। क्लियर बता। अच्छा तुम हम पे हम मेरे साथ ना कॉल पे डिस्कस करना है जो तुम बोलना चाह रही, क्लियर क्वेश्चन को फ्रेम करके, ठीक है?
ओके एक सवाल है सर, एक और सर, कुछ सर अगर रीसेल का गुड है ठीक है सर, और मतलब कि मार्केट वहां पे नहीं है वैसे जो सामान उसको हम बेचना चाहते हैं और बायर नहीं ले रहा है गुड्स को, और वैसा मार्केट नहीं है उस सामान का मिल ले रहा है, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? बायर चलेगा, बायर का टेंशन है, बायर से पैसा ले, बायर पैसा नहीं देगा, बायर का बैलेंस शीट में क्रेडिटर के नाम से चढ़ जाएंगे, कल को बायर का जब सामान बिकेगा वो इंसॉल्वेंट होगा तो उससे हम वसूल लेंगे लिक्विडेटर से। सवाल है, सबसीक्वेंट रीसेल हुआ है, बायर हमको पैसा दिया नहीं, बायर को नोटिस दिए ठीक है, और बायर नोटिस का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, हम तो माल बेच देंगे। सवाल उठता है कि जो नया बंदा जिसको हम सामान बेचे हैं क्या उसको अच्छा टाइटल मिलेगा या फिर डिफेक्टिव टाइटल मिलेगा? गुड टाइटल मिलेगा ठीक है, क्यों? हम अनपेड सेलर है, हमको ये पैसा नहीं दिया, हम किसी और को बेच दिए, वो उसका असली ओनर है, ये बायर गया भाड़ में, क्यों हम नोटिस दिए? क्लियर है? ऑन रीसेल द सब्सिक्वेंट बायर, मतलब जो दूसरा वाला नया बायर है उसको बेहतर टाइटल मिलता है ओरिजिनल बायर के मुकाबले, वेदर और नॉट द नोटिस ऑफ रीसेल हैज बीन गिवन टू द ओरिजिनल बायर। ठीक है, मतलब कि अगर हम नोटिस नहीं दिए हैं तब भी बायर के पास ये ताकत नहीं है कि वो दूसरा वाला नया वाला बायर से जाके माल ले लें, नहीं है ये ताकत। बायर क्या करेगा, हमसे लेगा कि चल भाई तुम जो प्रॉफिट कमाया है हमको दे, या फिर मानो मेरा नुकसान हो गया बेच के तो बोलेगा तुम भाड़ में जाओ, तुम हमसे क्लेम कर ही नहीं सकता है, क्यों नोटिस नहीं दिया। क्लियर है? पहला बात, पहला क्या है, पहला सीखे क्या नोटिस जरूरी है। यस, पेरिशेबल है तो है, नॉन पेरिशेबल है, सॉरी पेरिशेबल में नोटिस जरूरी नहीं है, नॉन पेरिशेबल में नोटिस जरूरी। दूसरा बात क्या सीखे कि अगर नोटिस दिए तो मेरे को फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, कल को अगर हम नुकसान में बेच रहे हैं बायर देगा, कल को हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं प्रॉफिट मेरे पास रहेगा, अगर हम नोटिस नहीं दिए तो मेरे पास नुकसान है, क्या नुकसान है, अगर हमको कोई प्रॉफिट हुआ है तो बायर मांग लेगा, अगर हमको कोई नुकसान हुआ है हम बायर से मांग नहीं सकते। और जो नया बायर है, सब्सिक्वेंट बायर है, उसको तो गुड टाइटल मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। क्लियर है? When the right to resale is expressly reserved by the seller and the buyer makes a default in payment of the price, the seller may sell the good without giving notice to the original buyer. क्या हुआ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जब हम बात कर रहे थे हम पहले ही बोलते कि देख भाई अगर तुम हमको हफ्ता भर में पेमेंट दिया तो ठीक, नहीं तो माल भेज दे। ये केस में हम पहले ही नोटिस दे दिए, पहले ही बोल दिया हफ्ता भर में आया तो ठीक, नहीं तो हम भेज देंगे, तो फिर से नोटिस देने का जरूरत नहीं, हम बेच सकते बिना नोटिस दिए, ठीक है। तो ये कहानी क्या था, राइट अगेंस्ट द गुड्स, कि हम गुड्स के साथ क्या करेंगे अगर हमको पैसा नहीं मिला। सवाल उठता है बायर के साथ क्या करेंगे, अभी तक हम एक जगह भी नहीं बोले बायर के साथ क्या करना है, अब बात हो, अब गुड्स को भूल जाओ, अब बायर का सुनो। हम तो भेज दिए ना, खत्म कहानी, माना जाएगा भेजा गया, कोई भी चीज में अगर हम नोटिस दिए हैं माना जाता है वो भेजा गया, अब नहीं पहुंचे इसमें हम लोग का गलती थोड़ी है। अच्छा, अगर हम किसी एक बंदा के ऊपर केस कर सकते हैं किसी चीज को लेकर, तो वो क्या होता है, राइट इन रेम या फिर राइट इन परसोनम? राइट इन परसोनम, राइट इन रेम का मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ये बॉटल मेरा है, दुनिया में कोई भी बंदा अगर इसको ले हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है, राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, बट ये बॉटल केशव का है, हम उससे खरीदे, ठीक है, हम पैसा दे दिए, केशव हमको बॉटल नहीं दिया, तो क्या हम दुनिया में किसी पे भी केस करेंगे, सिर्फ केशव पे कर सकते हैं, ये क्या होता है, राइट इन परसोनम। यही सीन यहाँ पे है कि बायर जो है वो पैसा दिया नहीं तो केस सिर्फ बायर पे होगा, थोड़ी और किसी पे कर सकते हैं, तो इसीलिए राइट इन परसोनम का एग्जांपल। क्या क्या कर सकते हैं, पहला तो प्राइस मांगो,
इसमें भी दो अलग सीन, पहला ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है, मतलब समान तेरा हो गया है, और अब जानबूझ के नेग्लेक्ट कर रहा है, बायर मेरा फोन नहीं उठा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, द सेलर में सू हिम फॉर द प्राइस ऑफ, सेलर केस कर सकता है डायरेक्ट। दूसरा, प्रॉपर्टी अभी तक पास नहीं हुआ है, कोई दिन था कि यार हफ्ता भर बाद पेमेंट करना, और बायर क्या है, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया या फिर क्लियर मना कर दिया कि पैसा नहीं दे, तब भी हम केस कर सकते हैं। भैया ओनरशिप तो ट्रांसफर हुआ नहीं है, लेकिन गुड्स अलग तो कर दिए थे ना, उसके लिए अप्रोप्रिएट तो कर दिए थे ना भाई, साइड करके रखे हुए उसके लिए, और किसी को बेच नहीं रहे, तो हम तो केस कर सकते हैं दोनों केस में, चाहे ओनरशिप पास हो ना हो, केस प्राइस के लिए बायर के ऊपर हम कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो हुआ, मानो 500 का सामान है तो हम 500 रुपया मांग रहे हैं। कभी कभी डैमेजेस भी होता है, डैमेजेस एग्जांपल फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, वेयर द बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, या तो बायर पेमेंट नहीं दे रहा है या फिर बायर बोल रहा है हम गुड्स लेंगे ही, दोनों केस में हम डैमेजेस क्लेम कर सकते। मेरा डिलीवरी बॉय गया पेट्रोल भरवाए गाड़ी में, ड्राइवर बुक किए, वहां पहुंचा, फिर बोलता है नहीं लेंगे, वापस आएगा, सारा खर्चा कौन देगा, बायर देगा, डैमेजेस क्लेम मारेंगे उससे। दूसरा, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू, वेयर द बायर रेप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिडेड एंड सू डैमेजेस इन द ब्रीच। याद करो, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, याद आ रहा है? Yes, sir. एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है, ड्यू डेट से पहले अरिजीत सिंह को हम परसों बुलाए थे, अरिजीत सिंह आज रात को बोलता है नहीं आएंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच है। हम क्या कर सकते थे एंटीसिपेटरी ब्रीच में, डैमेजेस क्लेम कर सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मार। तो यहाँ भी वही हो रहा है, मानो हफ्ता भर बाद पेमेंट होना था, डिलीवरी होना था, दो दिन बाद मेरे को फोन करके बोला नहीं नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, चल भाई मत ले, डैमेजेस दे दे। क्यों डैमेज दे भाई, तुम्हारे लिए माल अलग करके रखे ना हम, अगर तुम्हारे लिए माल अलग नहीं करते तो ये मेरा माल बिक गया होता, तो ये जो नुकसान हो रहा है हमको, मानो रेट गिर गया मार्केट में, चलो बेटा तुम दो जितना भी रेट गिरा है, ठीक है, ऑनलाइन पे नहीं, ऑनलाइन में इस सब चीज का छूट दे के रखा। सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर स्पेसिफिक अग्रीमेंट है सेलर और बायर के बीच में, सेलर बोल दिया बायर को कि देख बायर, अगर तुम 5 दिन के अंदर पेमेंट किया तो 500 रुपया, और जब तुम लेट किया तुमसे हम इंटरेस्ट लेंगे डेली का 1%, मतलब अगर तुम 5 दिन की जगह 6ठा दिन पेमेंट कर रहा 505 रुपया, 7वां दिन कर रहा है 510 रुपया, तो ये चीज का स्पेसिफिक एग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब आगे वाला पार्टी को स्टार्टिंग में बता देना चाहिए कि तुम अगर पेमेंट में लेट करेगा तो तुम्हारा ऐसा होगा, ठीक है, जिस दिन से पेमेंट ड्यू होता है उसके बाद से ये चीज होता है, और इंटरेस्ट लेना अलाउड है। अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो कोर्ट बोल सकता है, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है 10 करोड़ 20 करोड़, मेरे को पेमेंट नहीं मिल रहा, साल भर पार हो गया, और साल भर भर भाई साहब आया हंसते हंसते, लीजिए सर 20 करोड़, तो हम क्या बोलेंगे, चल इंटरेस्ट दे, कि 20 करोड़ का तो तुम इंटरेस्ट लिया होगा, तो कोर्ट बोलेगा, मानो हम बोले कि चल इंटरेस्ट दे, वो बोलेगा हम लोग के बीच में तो ऐसा कुछ बात हुआ नहीं, तो हम जाएंगे कोर्ट, हम कोर्ट में बोलेंगे जज साहब देखिए 20 करोड़ का पेमेंट साल भर रोक के रखा है, इसका कुछ इंटरेस्ट दिलाइए, और जज इंटरेस्ट दिलाए, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? पहला तो सूट फॉर प्राइस, दूसरा डैमेज, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा कुछ अलग, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर, क्या हो रहा है देखो, अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फर्दर सेल और प्लेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स बाय द बायर, मतलब मानो हम सामान बेच दिए, ठीक है, सामान में ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, माल मेरे पास पड़ा हो, राइट ऑफ लीन लगा सकते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, माल जो है वो शिप में चढ़ा हुआ है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा दिया, हुआ क्या, बायर जो है वो गुड्स किसी और को गिरवी रख दिया या फिर फ्यूचर में किसी और को बेच दिया, तो क्या वो बंदा आके हमसे सामान ले सकता है, नहीं, क्यों, हम अनपेड सेलर, हम क्या बोलेंगे, तेरे को अभी डिफेक्टिव टाइटल मिला बेटा, तेरे को गुड टाइटल नहीं मिला, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सेलर नहीं बेच रहा किसी और बायर को,
बायर किसी और को बेच दिया या फिर गिरवी रख, ठीक है तो सर एक्सेप्टेंस तो हो ही गया ना। क्या एक्सेप्टेंस हो गया मतलब वो तो एक्ट कर दिया ना, वो हम लोग पढ़े थे ना पीछे कि अगर कोई एक्ट भी करता है ऐसा, तुम लोग मान लेते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स को, प्लेज एग्जांपल था। तो वो एक्सेप्ट कर, देखो ये सेलर है, ये बायर है, ये नया बायर है, गुड्स एक्सेप्ट कर ले, 5000 पे एक्सेप्ट कर ले, भाई हमको पेमेंट दिया नहीं है तुम 5000 रुपया, तो हम कैसे किसी और को दे देंगे, हमारे हमको पैसा दो माल ले जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम एक्सेप्ट करो चाहे तुम कुछ भी करो, अगर तुम हमको पेमेंट नहीं दे तो गुड्स तो मेरे पास रहेगा ना, तुमको गुड टाइटल थोड़ी मिल जाएगा। तो क्लेम किस पे करेंगे, बी पे किसी पे, मतलब हम तो बी से क्लेम करेंगे, हमको इससे नया बायर से क्या मतलब, फाड़ में जाए कौन है नहीं हमको नहीं पता, ठीक है। ये कौन सा प्रिंसिपल पे है, गुड टाइटल वाला, कि सेकंड बायर कैन नॉट स्टैंड इन अ बेटर पोजीशन देन द सेलर, इसके लिए सेलर कौन है, बायर है, बी है, इसको अच्छा टाइटल मिला है नहीं भैया, इसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो क्या इसको अच्छा मिल सकता है, इसका भी डिफेक्टिव है, यही वाला रूल है सिंपल। हाउएवर मतलब हाँ सेलर एनबी से कुछ और सामान लेगा, ये सामान तो सेलर के पास ही है, या तो राइट ऑफ लियन सेलर यूज किया या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेलर यूज किया, ठीक है, तो ये तो इसी के पास है, कुछ और न्यू बायर से करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलर और न्यू बायर के बीच में रिश्ता अच्छा है, सेलर और जो बायर था इसके बीच में रिश्ता खराब हो गया, ठीक है। अब नया बात, हाउएवर द अनपेड सेलर अबव राइट इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टू एक्सेप्शन, इंपॉर्टेंट, दो एक्सेप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, पहला व्हेन द सेलर हैज असेंटेड द सेल मॉर्गेज और अदर डिस्पोजिशन, बायर आया, बायर बोला भैया हमको ये गाड़ी चाहिए, हम बोले ठीक है ले लो, बायर पहले ही बोल दिया कि भैया ये गाड़ी जो है हम भी किसी और को बेच रहे, तो जो ओरिजिनल सेलर था वो बोला ठीक है बेच, ठीक, अभी जो सेलर है उसको पैसा मिला नहीं, और जो न्यू बायर था वो आया सामान लेने के लिए, सेलर गाड़ी नहीं रोक सकता, क्यों, क्योंकि सेलर ही ना परमिशन दिया था कि हाँ बेच दो, सेलर असेंट किया ना अपना मर्जी से, तो अब सेलर को देना हो, ये एक लॉ है, ठीक है, कि अगर सेलर परमिशन दिया है जो भी सेल या गिरवी रखने के लिए, तो सेलर को वो वादा निभाना पड़ेगा, वो उससे तो नहीं मुकर सकता है। तो भैया बायर से तुम केस करो ना बायर के ऊपर प्राइस डैमेज इंटरेस्ट के लिए, वो हक तो है ही, गुड्स तुम नहीं रख सकता, गुड्स तुमको जो नया बायर उसको देना होगा, क्यों, तुम ही ना असेंट दिया था, हाँ बोला था, क्लियर है। दूसरा, एक सेकंड रुकना गाइस, हेलो, ठीक है, और दूसरा, When a document of title goods have been transferred to the buyer and the buyer transfers the document to a person who has bought goods in good faith, दो बार goods in good faith, and for the value, मतलब buyer को हम सामान बेचे, गलती क्या की है, document of title, अब मानो हम दिए प्रीत को document of title, प्रीत वो title दे दिया ध्यानवीर को, ध्यानवीर दिखाएगा इसको तो कुछ देना पड़ेगा ना, हमको क्या दिमाग में रखना है कि तब तक हम सामान किसी को ना दे जब तक हमको पैसा ना मिले, अक्सर यही होता है, लोग क्या करते हैं, लोग राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास क्या, माल तब तक नहीं देंगे जब तक पैसा नहीं मिले, और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट तुम लोग को इस चीज का बात बड़ा ध्यान रखना है, अपना क्लाइंट को बोल देना है कि भैया राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करिए हर कॉन्ट्रैक्ट में, अगर नहीं होगा तो आप फंसेंगे, ये सब तुम ही लोग को करना है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्या होता है, अभी एक बहुत करोड़पति आदमी, उसका बेटा मस्ती किया लाइफ टाइम, उसको कुछ ज्ञान होगा, वो फिर भी मस्ती करेगा, तुम लोग को रखेगा जॉब, ठीक है, और तुम लोग को उसको समझाना है, ठीक है, तुम लोग मूवी देखा होगा वो वाला, अरे कौन सा मूवी था, दो भाई रहता है रेडी, रेडी में क्या बोलता है वो परेश रावल जो उसका सीए रहता है, हम इन लोग से साल में 4-4 बार टैक्स भरवाते, तो ऐसा असल में होता है, इतना गधा गधा आदमी लोग हैं, तुम लोगों को भी मिलेगा ऐसा ऐसा क्लाइंट, तुम उसको बोलेगा इतना रुपया दे दीजिए, हाँ सर ले,
उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी से ढूंढना शुरू कर दो ऐसा आदमी, ऐसा लोग से दोस्ती रखना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या दो चीज सीखे, दो एक्सेप्शन सीखे कि कब अनपेड सेलर, हाउएवर अनपेड सेलर का जो राइट है जो हम लोग पढ़े वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। पहला वो खुद बोला कि हाँ सेल या मॉर्गेज कर दी, और दूसरा वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दिया और बायर जो नया आदमी था उसको दे दिया। ये दो केस में सेलर फंस जाएगा, माल तो उसको देना पड़ेगा, माल देना पड़ेगा, लेकिन ऊपर तो तीन राइट है अभी भी, प्राइस मांग सकता है, डैमेज मांग सकता है और इंटरेस्ट मांग सकता है। इसको एक बार रीड करो, सबको ही समझ आए तो यू मैसेज करो, डाउट हो तो मैसेज करो। फिर इसका पहला वाला एक्सेप्शन बता दीजिए ना, बता रहे हैं सबको रीड कर लो, फिर एक एक करके बताएंगे। हो ओके, पहला एक्सेप्शन में क्या है देखो, एग्जांपल दे, जब कुछ समझ में ना आए ना तो खुद को एग्जांपल दो, और ये सेल्फ स्टडी का सीक्रेट। आज तुम लोग को हम एक सीक्रेट बताते हैं, हम फाउंडेशन में क्लास नहीं लिए, मतलब लिए थे लेकिन नया नया कोलकाता गए तो मस्ती कर रहे थे, इंटर में क्लास लेके वापस आना पड़ गया हमको एक महीना में ड्यू टू सम रीजन, और फाइनल का भी हम क्लासेस नहीं ले रहे, हम सब सेल्फ स्टडी किए, ठीक है। सेल्फ स्टडी का क्या सीक्रेट होता है पता है, अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आया है ना, अभी क्या होता है समझ में नहीं आया है छोड़ के तुम लोग आगे बढ़ जाते, नहीं वहां रुको, उसके ऊपर रिसर्च करो, क्योंकि वो एक चीज समझने के लिए जब तुम लोग बैठेगा ना, तुम लोग 10 नया चीज सीख लिया, और दूसरा एग्जाम्पल से खुद को समझो, एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। अभी इसका एग्जाम्पल ए है, बी है, बी गया ए के पास, बोला ए भाई, ए भाई हमको फोन चाहिए, ठीक है, ए बोला ले लो, बी वहां पे बात करते टाइम बता दिया कि ए भाई ये फोन जो है हम गिरवी रखेंगे, आपसे खरीद तो रहे लेकिन हम गिरवी रखेंगे किसी के पास, या फिर हम किसी को सब सेल करेंगे, मतलब बी बोला कि ये मेरा छोटा भाई है सी, हम उसको रीसेल करेंगे, ए बोला हाँ ठीक है, अपना एसेंट दे दिया, और बी क्या है ए को पे नहीं किया, तो ए कौन हो गया अनपेड सेलर। सवाल उठता है कि सी आया ए के पास कि भाई चलो हमको फोन दो, क्या ए को देना पड़ेगा, हाँ ए को देना, ए गुड्स के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकता है, क्यों, वो खुद बोला था रीसेल करने के लिए, लेकिन वो बी के ऊपर केस कर सकता है प्राइस के लिए, ठीक है, वो हक उसके पास है। कभी सोचा है कि भैया हम अगर केस करेंगे तो कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है, कोर्ट में केस गया तो केस क्या तुम लोग 50 रुपए के लिए करेंगे, 100 रुपए के लिए करेंगे, अगर तुम लोग करेगा तो हो सकता है कोई अंदर से मतलब पर्सनल दुश्मनी हो, क्योंकि उतना तो तुम लोग का एडवोकेट का फीस लग जाएगा, तो केस बड़ा बड़ा अमाउंट के लिए होता है, जब बड़ा अमाउंट के लिए होता है ना कोर्ट ऑर्डर देता कि बी चल पे कर, मन बी का औकात नहीं पे करने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा, लिक्विडेटर बैठाएगा कि बी का एसेट देखो, इसका एसेट से जब बेचो और पे करो, एक ऐसा भी होता है, अरे अपना माल्या साहब के साथ क्या हुआ, उसका विला बिका 1 करोड़, उसका एयरलाइन बिका, उसका सब कुछ बिक गया है कि नहीं, फिर भी वो ऐश कर रहा है, पता है कैसे, स्विस बैंक से ऐश कर रहा है। स्विस बैंक पता है क्या है, स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में जो बैंक है ना, हम लोग के पास इंडिया के पास राइट नहीं कि हम लोग क्लेम कर सके वहां पे कि मेरा सिटीजन का पैसा है, नहीं, अगर वहां पे आप पैसा दिए हैं अच्छा खासा
सब भाग के लंदन क्यों जाते हैं? अगर तुम वहां पे खूब पैसा वाला आदमी है तो वहां का सिटीजनशिप तुमको मिल जाएगा। अब क्या इंडिया का लॉ लंदन में एप्लीकेबल है? तो तुम कहीं केस कैसे करेगा? फिर तुम पीछे पड़ेगा, किसके पीछे? वहां का जो एम्बेसी उन लोग के पीछे कि देख भाई इतना पैसा लेके भागा, इसको बोलो ना दे, नीरव मोदी इसके पीछे हम लोग पढ़े और नीरव मोदी सब किसी तरीके से पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जेल वगैरह भी हो रहा है, एक्शन वगैरह भी लिया जा रहा है। ये पूरा प्रोसेस है जो तुम लोग धीरे धीरे करके सीखेगा, ठीक है? ओके, पहला डाउट क्लियर हुआ? किसका डाउट था, ऋतिक का था क्या? नो सर, मेरा नहीं था। ठीक, अच्छा सेक्शन 30 का वन तनु का डाउट है, क्या डाउट है गुड फेथ में? गुड फेथ तो बहुत ऊपर है, नहीं आ रहा है कि मतलब गुड फेथ में अगर कोई बायर खरीदता है कोई सामान को तो फिर उसके गुड टाइटल आ जाता है, लेकिन हम लोग जो अभी पढ़े हैं उसमें फिर अभी बता रहा है कि नहीं, अगर हम गुड फेथ में ले रहे हैं तो हमको अच्छा टाइटल मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा टाइटल मेरा सेलर के पास है हमको वैसा ही मिलेगा, उससे बेहतर नहीं मिल सकता। गुड फेथ मतलब अच्छा इरादा, मतलब मेरे ऊपर केस नहीं, बस। अगर हम बुरा इरादा से लेते कि भाई चोरी का माल ले लेगा, मुझे हाँ हाँ देना, तो मेरे पे भी केस होता। तो सर हम लोग जो पहले पढ़े 27 से 30 में ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नन ओनर, उसमें एक्सेप्शन पढ़े थे, उसमें हम लोग ये नहीं पढ़े थे तनु, बात को समझो। हम लोग क्या पढ़े थे गुड फेथ का? मेरा इरादा अच्छा है, हम किसी सेलर से सामान लिए, वो चोरी का बेचा, हम भी चोर कहेंगे, हम पे केस नहीं होगा, क्यों? मेरा इरादा अच्छा। मेरा इरादा खराब है, मेरे पे भी केस होगा। झरिया, झरिया में एक जगह है सोना पट्टी, ठीक है? वहां पे चोरी करके आदमी आके सोना बेचता था, जो सेलर खरीदता था ना वो भी जेल गया, चोरी करने वाला बंदा भी जेल गया, क्यों? वो बैड फेथ में लेता था। अगर वही वो गुड फेथ में लेता तो वो जेल नहीं जाता, हाँ नुकसान उसका होता, उसका ओरिजिनल ओनर क्लेम कर सकता था, क्यों? क्योंकि उसका टाइटल डिफेक्टिव। समझ आया? Yes, थोड़ा जब बैठ के इसको धीरे धीरे पढ़ेगी ना, देखो अभी हम सबको बोल रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा, ठीक है? और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई पढ़ लो, नहीं तो पछताएगा बहुत। धीरे धीरे पढ़ेगा, डाउट आएगा। अभी एक बच्चा है हमसे एग्जाम से एक दिन पहले पूछा डाउट, ठीक है, पिछला टर्म का बच्चा, और वो फेल हुआ बुरी तरीके से। उसके पापा फोन करके पूछते हैं कि मेरा बच्चा फेल क्यों हुआ? हम बोलते हैं क्या क्या ही बोले उनको, कि आधा क्लास आता नहीं था, आता था ध्यान नहीं रहता था, पढ़ाई नहीं करता था, ये कोर्स बिल्कुल वैसा नहीं है बच्चा लोग, हम देख रहे हैं बहुत बच्चा सिंसियर नहीं, ठीक है? हम समझ रहे कि तुम लोग बड़ा हो गया है और तुम लोग को घर में डोज मिल जाता हो मम्मी पापा से, सभी ना सबका घर में मिलता है, पढ़ लो अच्छा होगा, पढ़ लो अच्छा होगा, तो हम वो और बोल के तुम लोग को क्या ही मोटिवेट करेंगे। लेकिन ये जानो कि तुम लोग नहीं पढ़ेगा ना बाबू, तुम्हारा ही साथ जो बच्चा बैठा है वो अगले बार इंटर दे रहा होगा और तुम फिर फाउंडेशन दे, और ये पेनफुल होता है, ये बहुत पेनफुल होता है। एक किताब जो तुम 6 महीना बैठ के पढ़ा है, फिर से वही किताब वही हैंडराइटिंग पढ़ना, ये आसान नहीं। फिर से सारा त्योहार को सैक्रिफाइस करना आसान नहीं। तो प्लीज अपना पढ़ाई पे ना ध्यान दो, हम ज्यादा नहीं मांग रहे, हम दिन में 3 घंटा मांग रहे। तुम लोग 6 बजे घर घुसता, रात में 9 से 12 पढ़ लो, सुबह 6 से 9 पढ़ लो, काफी है। एक शेड्यूल बना के शुरू करो, नहीं तो ये कोर्स छोड़ दो, ठीक है, बिंदास छोड़ दो, तुम लोग नहीं बना इस कोर्स के। ये कोर्स हार्ड वर्किंग बच्चा के लिए, टैलेंटेड बच्चा के लिए नहीं है। मेरे पास कितने स्टूडेंट आते हैं टॉपर्स, ठीक है, RSVM के टॉपर है, GN के टॉपर है, DNS के टॉपर है, और वो लोग फेल करता है फाउंडेशन, क्योंकि ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये हार्ड वर्क, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर। अब बात मानो, सुनना प्रीत, AC बंद कर दो और गेट खुला छोड़ देना, तुम लोग किसी को ठंडा नहीं लग रहा है? लग रहा है तो बताओ। ध्यानवीर तो पूरा फुल शर्ट करके बैठ गया। गेट खुला छोड़ दे, खोल दे पूरा। ओके, क्या पढ़ रहे थे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर। भैया अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करे तो कर सकता है ना, हम पेमेंट कर दिए, सेलर भेजा नहीं। अरे अपना भी तानिया के साथ हो रहा है ये चीज, तानिया रिटर्न करने खोज रही है, सेलर रिटर्न ही नहीं ले रहा है, तो ये सेलर का कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है।
ठीक है, अभी क्या होगा, जब सेलर डिलीवरी करना नहीं, डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, अब सिर्फ डिलीवरी से मतलब नहीं है, सेलर वादा किया कि हम इस टाइम पे या फिर इस मैनर में डिलीवरी करेंगे और वो नहीं कर, तब भी हम उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सेलर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया अपनी तरफ से, या फिर सेलर डिलीवर किया और वो गुड्स हमारे डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम लोग गुड्स रिजेक्ट करेंगे। ये सारे केस में हम लोग सेलर के ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया तानिया सोच रही है हम भी केस कर देते हैं जाके फ्लिपकार्ट के ऊपर, है ना। धनबाद का जो बेस्ट लॉयर है ना, कौन है धनबाद का बेस्ट लॉयर? समर श्रीवास्तव, ठीक है। फ्लिपकार्ट का वर्स्ट लॉयर उतना टैलेंट है फ्लिपकार्ट, ये लोग क्या बड़ा बड़ा कंपनी है, तो ये लोग अच्छा अच्छा लॉयर हायर करके रखा है, ये लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग केस कर रहे हैं, होता नहीं होगा ये लोग के ऊपर, आए दिन केस होते हैं, लेकिन ये लोग के पास अच्छा लॉयर है। जैसे अभी हम एक कंपनी का नाम नहीं लेंगे लेकिन काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोले कि भाई कस्टमर बोला है कि वो केस कर रहे हैं, तो उनका जो मैनेजर था वो क्लियरली बोला केस कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लॉयर है, ठीक है, तो केस कर, रियल लाइफ अभी सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हाँ सेलर ब्रीच किया है हम केस कर देते हैं, रियल लाइफ में तुम लोग समझना, सोच समझ के केस कर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग के रिसोर्सेस खाली हो जाए और केस ना जीते, ठीक है। केस कब कब कर सकते हैं, पहला डिलीवरी दिया नहीं, या फिर दिया सही टाइम सही जगह पर, दूसरा डिलीवरी तो दिया दूसरा गुड्स दे दिया, और तीसरा सेलर फोन करके बोलता है सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ठीक है। ये तीन केस में हम लोग केस कर सकते हैं। क्या करेगा बायर, बायर के पास, बायर क्या करे बेचारा, ठगा गया, क्या क्या कर सकता है। पहला नॉन डिलीवरी के लिए सूट करेगा, नॉन डिलीवरी के लिए क्या करेगा, मानो मार्केट प्राइस में वही चीज महंगा है, ठीक है, मानो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम ये बॉटल 500 रुपया में खरीदेंगे, सेलर्स मार्केट में गए 700 रुपया में, तो 200 जो एक्स्ट्रा है वो कौन देगा, सेलर देगा। बायर ये चीज के ऊपर केस कर सकता है, मानो 500 का बोतल हम 300 में खरीदे, मेरा फायदा, हम थोड़ी सेलर को पैसा देंगे, नहीं देना, अगर हम महंगा खरीद रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा दाम में खरीद रहे हैं तो हम मांग सकते हैं डैमेज, कम में खरीद रहे हैं मेरा फायदा। दूसरा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब होता है कुछ ऐसा परफॉर्मेंस जो मेरे को चाहिए ही चाहिए, जिद्दी, ठीक है, मेरे को मजनू पेंटिंग, मजनू भाई का पेंटिंग चाहिए, ठीक है, अब मेरे को वही चाहिए, मंजू भाई बोला 1 करोड़ डैमेज देंगे, बोले नहीं मेरे को वही चाहिए, तो ये होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे कोर्ट में बात जाएगा, कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई यहाँ पे तुम जो वादा किया था वो परफॉर्म करो, कोई डैमेज फायदा नहीं है, परफॉर्म करना ही पड़े। तीसरा डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी में क्या होता है, पुराने सामान को ही बना कर दिया जाएगा, नहीं अरे वो वाला वारंटी नहीं, अपना कंडीशन वारंटी, कोलैटरल टू द मेन इवेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की कोर्सेस दादा तुम लोग ऐसे चलेगा, अभी हफ्ता भर नहीं हुआ हमको पढ़ाए हुए, तुम लोग भूल गया पूरा कहानी, कंडीशन क्या होता है, मेरे को लाल रंग का गाड़ी चाहिए, वारंटी क्या होता है, अगर वो अच्छा एवरेज दे तो बेहतर, कंडीशन ब्रीच होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, वारंटी ब्रीच होगा तो सेल डैमेजेस। देखो मानो वारंटी ब्रीच हुआ, बायर इज नॉट एंटाइटल टू रिजेक्ट द गुड्स, आई ऑलरेडी टॉक यू ना कि कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच होता है बायर रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, सिर्फ डैमेजेस मांग सकता है, बट ही मे सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस और सू द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है। यहाँ पे दो केस बोले, बोला पहला तो कि हम इस तरीके से सेटअप करें अपना ब्रीच ऑफ वारंटी कि हम पूरा प्राइस अपना ले सकें, मेरा गुड्स का जितना नुकसान हुआ है सब ले सकें, दूसरा सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी, भैया ये क्लियर नहीं, गाड़ी है, गाड़ी मेरे को गलत दे दिया, मतलब वारंटी का बीच क्या एवरेज खराब दे, तो हम तो सिर्फ उसके ऊपर केस कर सकते, कैसे केस कर सकते, पहला तो कि भाई तुम मेरे को ऐसा गाड़ी दिया है जिसका एवरेज खत्म कर, दूसरा ऐसा सेल, मतलब हम ऐसा सेटअप करेंगे कि भाई मेरे को एवरेज खराब दिया इसका दो प्लस हम इतना का पेट्रोल भराए थे तेरे चक्कर में मेरा इतना रुपया का नुकसान हुआ है, ये भी
छोटा छोटा चीज भी हम लोग उससे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब छोटा डैमेज लेते तो कौन सा डैमेज होता है वो? ऑर्डिनरी डैमेज, नॉमिनल डैमेज, नॉमिनल ही होता है। ठीक है, नॉमिनल डैमेज, छोटा सा अमाउंट का डैमेज, ठीक है, मांग सकते। सूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच, मानो सेलर पहले फोन करके बोल रहा सर हम नहीं ला सकते आपका सामान, तो क्या? ईदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट, क्या होता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच। द अदर मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिंडेड और सूट फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच। हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, फिर से रिपीट कर रहे पूरा, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक होता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में संडे को हम लोग प्लान किए कि अरिजीत भैया आएंगे और हम लोग के सामने गाना गाएंगे। संडे को अरिजीत भैया आएंगे, ये एक्चुअल ब्रीच है। दूसरा कि संडे को बुलाएं, फ्राइडे को ही रात में फोन करके बोल रहे सॉरी हम नहीं आ सकते, ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। तो अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है तो क्या होता है? डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं या फिर हम वेट करेंगे, हम बोलेंगे हम इसको एंटीसिपेटरी ट्रीट करेंगे, हम एक्चुअल ट्रीट करेंगे, हम एक्चुअल का वेट करेंगे, संडे आएगा फिर संडे के बाद केस। दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आज ही के आज जाओ कोर्ट में केस करो, हाँ हाँ इन्फॉर्म कर दे ना करे, हम वेट कर सकते कि हम एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस वाला ब्रीच मानेंगे। देखो ना, इधर हाथों हाथ कैंसिल करो और डैमेजेस मांगो, और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सबसिस्टिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी, वेट करो और फिर बोलो एक्चुअल ब्रीच किया है। हम लोग कर सकते हैं ऐसा। लास्ट में सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस पेड टू द सेलर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, यानी कि हम बोलेंगे मानो हम कुछ एडवांस दे के आए थे सेलर, तो हम बोलेंगे चल मेरा एडवांस वापस कर प्लस इंटरेस्ट, ये भी हम कर सकते हैं। ये सारा पांचों का पांचों हक किसका है? बायर का। बायर का। सेलर का पढ़े क्या क्या पढ़े? लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये सब कब? जब गुड्स मेरे पास है। अच्छा, राइट अगेंस्ट गुड अलग था, राइट अगेंस्ट बायर अलग था, पूरा कहानी मुझे समझ, ठीक है। बायर के लिए क्या पढ़े? प्राइस, डैमेज या फिर इंटरेस्ट, ओके। और एक नया क्या पढ़े कि अगर मानो सब प्लेज किया है यानी कि गिरवी रख दिया या फिर बेच दिया किसी और को बायर बिना पैसा दिए, तो क्या हम टेंशन लेंगे? नहीं लेंगे, लेकिन इसका दो एक्सेप्शन, ठीक है, ओके। अब आते हैं ऑक्शन सेल, छोटा सा कॉन्सेप्ट है सब जानता है, सेक्शन 64 इंपॉर्टेंट सेक्शन। ऑक्शन सेल मतलब नीलामी सर, नीलामी, बोली लगवाना, ठीक है। कैसे होता है? अच्छा, ऑप्शन, ये जो होता है ऑप्शन, ये क्या है? ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर है। जो बच्चों को नहीं समझ आया हम अभी क्या बोले, टेंशन मत लो, ये पिछला चैप्टर का बात, ठीक है, खाली चिल करो, लोड नहीं है। ऑक्शन सेल क्या होता है? प्रॉपर्टी कैसे बेचना? बिड्स इनवाइट करके, पब्लिकली या फिर प्राइवेटली, और जो सबसे हाईएस्ट बिड लगाया है उसको बेच देना। कोई बोला 500, कोई बोला 600, कोई बोला 1000, तो 1000 वाले को बेचो। कैसे बेचेगा? 1001, 1002, 1003, ठप, फॉल ऑफ हैमर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओनर अब कौन है? बायर है, ठीक है। हम कोई ऐसा एक मूवी देखे थे, पेंट, नहीं नहीं नहीं, कोई मूवी था जिसमें बायर ना पहाड़ चढ़ के अपना औकात से ऊपर बिड लगा, अरे मूवी नहीं था, फ्रेंड्स का एक एपिसोड था, नहीं नहीं फ्रेंड्स करके एक वेब सीरीज है, उसका एक एपिसोड था, उसमें एक लड़का रहता है, हाँ उसमें एक लड़का रहता है, वो क्या किया, कॉम्पिटिटर उसका लगा रहा था तो वो जोश उसमें लगा दी, उसके पास पैसा है ही नहीं, फिर वो मुंह छुपाते छुपाते निकल रहा था कहीं, कोई हमको पकड़े ना, और सब उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा, लेकिन साला स्क्रैप को इतना महंगा खरीदा, वाह, ठीक है। तो अभी इस चीज को लेके हम लोग बहुत चीज सीखने वाले हैं। पहला, जो बोली लगाता है वो कौन होता है? वो सेलर होता है क्या? ऑक्शनरी, नहीं मतलब जो हैमर, फॉल ऑफ हैमर कर रहा है वो ऑक्शनरी होता है, ऑक्शनियर कहलाता है, वो एजेंट होता है, ठीक है, जो ये काम देख रहा है। व्हेन ही सेल्स ही इज द एजेंट ऑफ द सेलर, लेकिन वो अपना प्रॉपर्टी भी बेच सकता है, हाँ, एंड नीड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट,
ही इज सो सेलिंग, जरूरी नहीं है बताना कि ये मेरा प्रॉपर्टी, बेच सकता है साथ में घुसा। कुछ रूल्स है जो जरूरी है, बहुत जरूरी है ऑप्शन सेल को लेकर, ठीक है। पहला, अगर मानो गुड्स लॉट्स में बिक रहा तो हर लॉट अलग माना जाएगा। लॉट्स मतलब एक लॉट, अरे तुम लोग अगर रात में 9 बजे हिस्ट्री चैनल करके एक आता है, हिस्ट्री चैनल मतलब अगर तुम लोग अपना फोन कभी टीवी चलाएगा, टीवी का मेन्यू खोलेगा तो वहां पे एक आता है, अलग अलग कैटेगरी रहते हैं ना, जोनर, न्यूज, कार्टून, इसमें इन्फॉर्मेशन, हाँ, तो उसपे तुम लोग डिस्कवरी जैसा होता है, उसपे क्या होता है स्क्रैप का ना ऑप्शन होता है, स्क्रैप लोहा लक्कड़ जो ये लोग जमा करके ले जाता है उसका ऑप्शन, और दिखाता है कि कैसे लोग बोली लगा। तो वहां पे क्या होता है कि एक लॉट फैजल का है, एक लॉट केशव का है, एक लॉट अंशु का है, ऐसे करके सबका लॉट है, तो हर लॉट अलग बिकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा सब कुछ एक साथ बेच, नहीं, ऐसे बोलते हैं लॉट नंबर 1 बेस प्राइस $5,000, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, अभी इसके नीचे तो कोई बोलना, अभी एक लॉट बिका, फॉल ऑफ हैमर हुआ, अब नया लॉट आए, ऐसे होता है, हर लॉट सेपरेटली बिकेगा। पहला बात प्राइमा फेसी, अगर मानो बात किया कि सारा एक बार में बेच दो तो बेच सकते, लेकिन कुछ बात नहीं तो सारा लॉट एक एक करके बिकेगा। दूसरा, कंप्लीशन कब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कब कंप्लीशन होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ऑप्शन में, फॉल ऑफ हैमर पे, हैमर के साथ, जैसे ही तीसरा बोल के गिराया सेल हो गया। ये कुछ नया तुम लोग के लिए, राइट ऑफ बिड मे बी रिजर्व, राइट टू बिड मे बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर एंड वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बिड एट द ऑक्शन। सेलर बोल सकता है कि हम भी बोली लगाएं, सर वो बोली नहीं लगाएगा, उसी का तो सामान है सर, तो वो क्यों लगाएगा बोली, शौक, मतलब नीलामी का भी शौक। तुमको हम बता रहे कैसे, देखो तुम लोग को हम एक मूवी का एग्जांपल दिए थे, स्वर्ग, स्वर्ग में उसका घर बिक रहा होता है, क्यों, इंसॉल्वेंट हो गया है इसीलिए, तो सेलर राइट रिजर्व कर लिया कि मेरा जो कोई रिलेटिव है वो बोली लगाएगा, भैया देख बता दी, वो नहीं लगा रहे ना, उसका रिलेटिव तो लगा सकता है भाई, नहीं चाहता है वो लोग कि किसी और का हाथ में घर जाए, तो बोली लगा सकता है सेलर, किसी को बोल सकता है कि मेरे बिहाफ में बोली लगाओ, तुम एक बार पैसा दे देना बाद में होता है वही वाला सर, क्या बोल, हाँ समझ में आया ना ये बात, तो सेलर रिजर्व कर सकता है, लेकिन सेलर बोली भी लगाता है, सेलर खुद से, मानो मेरा ये बॉटल बिक रहा है, हम पूरा रही से फिर भी हम बोली लगाए, क्यों लगाएंगे पता है, नहीं हम सॉल्वेंट है मानो, और हम ये बॉटल बेच रहे हैं और हम भी बोली लगाएंगे, क्यों पता है, प्राइस बढ़ाने के लिए, मानो कोई 500 बोला तो हम उसको थोड़ा पिन मारेंगे 550, फिर वो 600 बोलेगा 650, ये कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फेक बिड, ये इलीगल, खुद का सामान के लिए अगर हम बोली लगा रहे हैं ये इलीगल है, ठीक है, ओके। Where the sale is not notified the seller, mano, where the sale is not notified to be subject to a right to bid on his behalf, the seller must not bid himself or to employ any person to bid at such sale. Any sale contravening this rule may be termed as fraudulent by the buyer. समझो बात, सेलर जो है उसको बोलना पड़ेगा कि भाई हम बिड लगाएंगे, ऊपर क्या पढ़े हम लोग, राइट ऑफ बिड मे बी रिजर्व, मतलब बताना जरूरी है कि हम बेड लगाएंगे, नहीं बताने से नहीं चलेगा, ठीक है, मानो नहीं बताए तो, मानो सेलर नहीं बताए कि वो बेड लगा रहा है, वो चुपचाप बैठ के बेड लगा रहा है, बायर फ्रॉड का केस कर देगा, समझ आया, तो एजेंट को रख सकते हैं ना अपने भी, एक सेकंड, हाँ बोल, किस्मत बहुत खराब है उसकी, ठीक है, हाँ तुम क्या पूछी, बोले एजेंट को रख सकते हैं ना सर, एजेंट को रख सकते हैं, लेकिन फिर भी बताना होगा कि मेरा एजेंट भी बोली लगाए, नहीं तो वो फ्रॉड माना जाता है, वो लाइन वहाँ पे but not otherwise वही है क्या, but not otherwise वही, राइट नंबर 4 3 राइट ऑफ बिड में
बट नॉट अदरवाइज सेलर अगर नहीं लगा पा रहा है तो वो किसी को बिहाफ अपने बिहाफ में जरा बैठा सकते हैं, ठीक है। हाँ केशव क्या पूछा? अपना चीज को अपने खरीदना नहीं चाह रहा है। देखो केस वन, बंदा इंसॉल्वेंट, दिवाला निकला, ठीक है, उसका कोई दोस्त है, बोला भाई हम तेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मेरा सामान खरीद ले, ऑप्शन मेरा दिल का बहुत करीब है, तो वो बैठ के खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं। केस टू, वो सॉल्वेंट है, सब कुछ अच्छा खासा पैसा है उसके पास, लेकिन फिर भी वो बैठ रहा है बोली लगाने के, क्यों? ताकि वो बोली बढ़वा सके, बस। मानो वो बढ़वाया और कोई उसके आगे बोली नहीं लगा, सबसे हाईएस्ट बोली वही बोल दिया, तो वो फंस गया है, अब उसको कोई फायदा नहीं है, उसी का सामान रह गया, तो उसका जो मोटो था वो खराब हो गया। रिजर्व प्राइस मतलब बेस प्राइस या फिर अपसेट प्राइस, जहां से बोली स्टार्ट होता है। नहीं, एजेंट को रखा है कि भाई तुम इसमें ऑप्शन में लगाना, मानो लिक्विडेशन हो रहा, ठीक है, अभी विजय माल्या के सामान का लिक्विडेशन हो रहा है, विजय माल्या खुद तो लगा नहीं सकता, वो इंसॉल्वेंट है, वो किसी और को भेज दिया, बोले तुम लगाओ ना पैसा हम भेज दें। विजय माल्या का सामान वो खुद नहीं खरीद सकता, कोई और तो खरीद सकता है, ठीक है। प्रिटेंडेड बिडिंग, ये बात हो रहा है, सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, जबरदस्ती प्राइस बढ़वा रहा है। सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, बायर जो चाहे वो करे, ठीक है, बायर चाहे तो हाँ बोलेगा ना बोलेगा, क्या बोली? ऑक्शन में बायर कौन होगा? जो बायर ऑक्शन में जिसका फॉल ऑफ हैमर होगा, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो बायर। नहीं सर, जैसे कि यहाँ पे आप बोले ना प्रिटेंडिंग बिडिंग में जो मतलब राइस प्राइस करता है, तो मान लीजिए उसी के पास आ गया, तो फिर यही बात तो अभी केशव पूछा कि अगर सेलर बैठाया अपने एजेंट को कि भाई तुम प्रिटेंडेड बिडिंग करना, प्रिटेंडिंग बिडिंग हुआ और किस्मत इतना खराब कि उसी का में आ गया, तो कोई फायदा नहीं है, सेलर का नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? वो जो ऑक्शनर आया उसको पैसा देना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ी अपना जेब से 1000 रुपए निकाल के खुद को थोड़ी इस जेब में डालेगा, कॉमन सेंस वाला बात है ना। ओके, प्रिटेंडेड बिडिंग गलत है, वॉइडेबल होता है, ठीक है। ऑक्शन सेल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नॉकआउट एग्रीमेंट, मतलब नॉकआउट एग्रीमेंट का मतलब है कि कुछ ऐसा करना कि हम अपने कंपटीटर से बात की कि भाई बात सुन, तुम मत कर बिडिंग, हमको ये ज्यादा जरूरी है, तुमको नॉकआउट कर रहे हैं, तुमको इस बिड से बाहर निकाल रहे, ले थोड़ा पैसा ले और बाहर निकल, ऐसे भी कर सकते हैं, इलीगल नहीं। लेकिन किसी थर्ड पार्टी को तो अगर फ्रॉड करने के लिए, किसी थर्ड पार्टी को किसी तरीके से धोखा देने के लिए आप नॉकआउट कर रहे हैं तो गलत है ना, मतलब क्या समझो। एग्जाम्पल के साथ, ये सेलर है, ए को भी खरीदना है, बी को भी खरीदना है, सी को भी खरीदना है। ए बी से बात किया, ए बी को 500 रुपया दिया, बोला भाई तुम निकल जा, मत लगाना बिड, हमको बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये 500 रुपया देने का इरादा अच्छा था, उसको सही में चाहिए था, तो ओके इलीगल नहीं। लेकिन अगर मानो ये बी को बाहर निकाल रहा है सिर्फ सी से कोई चीज का बदला लेने के लिए, या फिर प्रिटेंडिंग बिडिंग करके सी को फंसाने के लिए, ये फ्रॉड माना जाएगा। क्लियर है? ये होता है नॉकआउट अग्रीमेंट। डैम्पिंग क्या होता है? एन एक्ट टू डिसुएड द इंटेंडिंग बायर फ्रॉम बिडिंग और फ्रॉम रेजिंग द प्राइस बाय पॉइंटिंग आउट डिफेक्ट्स इन द गुड्स और बाय डूइंग सम अदर एक्ट व्हिच प्रिवेंट्स पर्सन फ्रॉम फॉर्मिंग अ फेयर एस्टिमेट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। डैम्पिंग इज इलीगल एंड द ऑक्शनर कैन विथड्रॉ द गुड्स फ्रॉम ऑक्शन। क्या हुआ सुनो, ऑक्शन के लिए कोई सामान रखा हुआ है, बेस प्राइस हम रखे 5000 रुपए, एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है अरे ये सामान में तो ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलत कर रहा है वो, ये वो इलीगल काम कर रहा है, ऐसा वो नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, अगर सही में गलती है तो ओके, बट अगर लोगों को बहका रहा है, दैट इज रॉन्ग। क्लियर है? पफर, जिसको सेलर बैठाया है कि तुम बिड बढ़वाना, प्रिटेंडेड बिडिंग के लिए जो बंदा को सेलर बैठाता है, खुद तो बैठ नहीं सकता है ना, तो जिस एजेंट को बैठाता है उसको बोलते हैं ये पफर है, ठीक है। प्रिटेंडेड बिडिंग, हम लोग इसके बारे में पूरा बात किए कि अपना खुद का आदमी को बैठाए खाली बोली बढ़वाने के लिए, ये प्रिटेंडेड बिडिंग कहलाता है।
सर दोनों तो है। एक ही हो गया, पफर ऑफ हाँ, प्रिटेंडेड पफर बिडिंग। वो बंदा जो प्रिटेंडेड बिडिंग कर रहा है, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग का सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट होता है। सैटरडे संडे 2 दिन टाइम है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कोई भी डाउट है हमसे पूछना, ठीक है। मंडे को हम लोग सेल ऑफ गुड्स का एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो डाउट भी उस दिन हम लेंगे तुम लोग। बट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ के आना मंडे को, नहीं तो ना तुम लोग कार्टून जैसा बैठा रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। पढ़ा रहेगा तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग मंडे नेक्स्ट क्लास, सर तब तक के लिए टाटा। हाँ बोल। सर सर लास्ट क्लास का वीडियो सेट कर दीजिएगा ना, कल वाला।